अस्सलाम वालेकुम। हाँ और बस यही करता ओके हूँ। आज नहीं, आपका नाम? सिद्दीकी इकबाल गौरी, सिद्दीकी गौरी। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। ओके जी, परफेक्ट। थैंक यू सो मच एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बिजनेस कम्युनिकेशन के हवाले से। ये बहुत ही जरूरी होता है, स्पेशली जब हम जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर में या एक प्रोफेशनल फील्ड में मूव करते हैं, और ये बहुत ही एक चीज होती है आपके करियर को बूस्टअप करने के लिए और आपकी करियर की ग्रोथ के लिए। तो आज के हमारे जो ट्रेनर हैं वो बेशक किसी तारुफ का जो है वो मोहताज नहीं है, और माशाल्लाह से अब तक हमारा जो है वो इनका साथ ये थर्ड सेशन में जो है वो मूव ऑन करने जा रहा है हमारे पिछले दो कामयाब सेशंस के साथ साथ। और सैयद इमरान अली शाह साहब के बारे में मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, माशाल्लाह डेवलपमेंट सेक्टर में जो है वो 16 इयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस रखते हैं और 3 मास्टर डिग्रीज के होल्डर भी हैं इंक्लूडिंग MBA। करंटली इनका जो ताल्लुक है वो है लैया पंजाब पाकिस्तान से, और आप सबकी भरपूर पुरजोश तालियों और जज्बे के साथ मैं इस्तकबाल करना चाहूंगा सैयद इमरान अली शाह साहब का। थैंक यू वेरी मच फॉर सच अ वार्म वेलकम। पहले तो तमाम पार्टिसिपेंट्स का थैंक्स के आप लोगों ने अपना टाइम स्पेयर किया। और लर्निंग के हवाले से हजरत अली का एक फरमान है कि माँ की गोद से लेकर कब्र तक इंसान को सीखना चाहिए। तो और लर्निंग की कोई एज नहीं होती। मैं आपके सामने बैठा हूँ, आई एम गोइंग टू बी 41 नाउ, और मैं भी मेरी जो तिश्नगी है ना वो मैं कहता हूँ कि काश मैं MPhil कर लूँ, PhD कर लूँ। और मतलब तिश्नगी बढ़ती चली जाती है जिनको अर्ज होती है ना लर्निंग की। सो हम कंजेक्टिव सेशन दो किए। पहला हमने सेशन किया कम्युनिकेशन का, देन फिर हमने मूव ऑन किया, कुछ पर्टिकुलर और हमने CV के ऊपर गए कि CV कैसे बनानी है, इफेक्टिव CV क्या होती है। और आज कुछ ईमेल्स मुझे आए भी हैं, मैं उस पर फीडबैक भी दूंगा। आई विल डेफिनेटली सेशन विद यू के हम उसके ऊपर मतलब आपकी CV मेरे पास पहुंची है सागर के थ्रू। कुछ चीजें हैं जो आपको बताना बहुत जरूरी है। मेंटोरशिप कभी भी मुकम्मल नहीं होती जब तक फीडबैक ना दिया। आज का जो हमारा टॉपिक है, अगर हम सब, मैं अपने आप को इंक्लूड करूँ, इवन वो अगर बच्चा है जो FA कर रहा है वो, और अगर आप जितने भी यहाँ मौजूद हैं, हम लोग ये सब 10 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो सबके लिए कम्युनिकेशन से एक अबव लेवल होता है जिसको हम बोलते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन। मैं सागर से रिक्वेस्ट करूंगा, सागर आप प्लीज स्लाइड 1 पे जाइएगा जरा। अच्छा, एक बात बता दूं कि बिजनेस कम्युनिकेशन डिफर्स फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन नॉट बाय मींस ऑफ कम्युनिकेटिंग बट बाय इट्स ऑब्जेक्टिव्स। देखें, बहुत सिंपल सी बात है इसमें कि बिजनेस कम्युनिकेशन हमारी जो हमारी मतलब रेगुलर कम्युनिकेशन है, या जो हम घर के अंदर करते हैं, या जो हम बाजार में करते हैं, या हम दोस्तों में करते हैं, उससे ऑल टुगेदर डिफरेंट है उसके ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, हम जब दोस्त से बात कर रहे हैं ना तो हमारा ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि हमने फन करना है। हम घर में वालदेन से बात कर रहे हो सकते हैं, हमने उनसे कुछ चीज मांगनी, कुछ चीज सीखनी, कुछ चीज देखनी हो। बट जब हम बात करेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन की, ऑफिशियल कम्युनिकेशन की, आप इसको दोनों मीनिंग्स में ले लें, इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, तो उसमें आपका बॉडी बॉडी का जो एक समझे ना, आपका पोस्टर ही चेंज हो जाता है, आपका आपकी टोन बदल जाती है, आपका आपके जो इन्स एंड आउट्स होते हैं वो बदल जाते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस कि हम इसको कंसीडर करें कि बिजनेस कम्युनिकेशन को समझने से पहले हम ये जरूर समझ लें कि इसकी सोल क्या है। इसकी सोल ये है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जब काम कर रहे होते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के कुछ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं। याद रखिएगा, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन की अपनी बाकायदा एक कम्युनिकेशन पॉलिसी होती है, बाकायदा उस कम्युनिकेशन पॉलिसी को हमेशा फॉलो कर रहे होते हैं। प्लीज नेक्स्ट। अब मैं गुजारिश करूंगा कोई भी पार्टिसिपेंट जो कि इंट्रोवर्ड है, थोड़ा सा घबराता है बात करने से, वो इस स्लाइड को पढ़ेगा, जो भी व्हाट जो भी इसमें अगर मतलब वॉलंटियर तो और अच्छी बात है। सागर कोई हैंड रेज करे तो आप उसके लिए माइक खोल दें प्लीज। जी बिल्कुल जी। एनीवन एल्स? मिस सलीना, हिरा, शाहरुख, एनीवन ऑफ यू?
यस सर ओके शाबाश रीना बोलो कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल्स यू शुड पोसेस इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ योर बिजनेस बिकॉज इट्स इम्पैक्ट्स एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ योर कंपनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स इफेक्ट योर रिलेशनशिप विद योर एम्प्लॉयज सप्लायर्स एंड कस्टमर्स प्रूवन कम्युनिकेशन टेक्निक्स demonstrate strong leadership skills and give your employees confidence in your ability to grow your company. Communicating effectively also helps to develop a positive workplace culture where team members feel value. बहुत अच्छा, thank you very much. अच्छा, मैं आपके बात बताऊं कि जब हम बात business communication की कर रहे हैं तो एक बात याद रखिएगा, आप किसी भी position पे हो, मतलब आप हो सकता है कि शायद आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी एंट्री लेवल पर काम कर रहे हो, मतलब आपका काम जस्ट एज एन ऑफिसर सिर्फ ये होगा कि आपने इन्वेंट्री चेक करनी है, आपने उस इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करके आखिर अपने हाई अप्स को बताना तो है ना। तो जब आप उसके कम्युनिकेशन चैनल्स को फॉलो करेंगे और जब आप उनकी कम्युनिकेशन पॉलिसी को फॉलो करेंगे तभी आप इदारे की जो पॉलिसीज उनको अडहेयर कर पाएंगे। तो याद रखिएगा हर इदारे की जो प्राइम पॉलिसी होती है ना वो उनकी कम्युनिकेशन पॉलिसी होती है। सागर आप कर रहे हैं क्रीम में काम कर रहे हैं, आपको एक बात है, एक वाक्य आपको याद होगा कि अपनी शादी से भाग चलो, अगर आपको याद हो ये बात जी बिल्कुल। इतना इसके ऊपर मतलब रगड़ा आ गया था, काफी क्रिटिसिज्म हुआ था। यस यस, सो इट्स प्रूवन दैट कम्युनिकेशन मैटर्स अ लॉट। ठीक, और आपको एक बात बता दूं, खास तौर पे जब आप एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जब आप एक बड़ा ब्रांड है, बड़ा नाम है, तो कम्युनिकेशन आपकी तो बहुत ज्यादा फिर जिसे कहते हैं चेक होती है कि आप कितने ज्यादा सेंसिटिव हैं, आप कितने ज्यादा हमारे वैल्यूज हैं, कल्चरल वैल्यूज उनको अडहेयर करते हैं। अच्छा, जिस तरह हमारे इलाकों की कल्चरल वैल्यूज है, इसी तरह से ऑफिसर्स की भी वैल्यूज होती है। ठीक है, हमारे मतलब जो बड़े बड़े टाइकून्स हैं, बड़े बड़े बिजनेस फॉर्म्स हैं, मैं अगर करीम की बात करूं, करीम बहुत बड़ा नाम है, इसी तरह से एंग्रो बहुत बड़ा नाम है, मोबलिंग जैस को बोलते हैं वो बहुत बड़ा नाम है, इनका खास एक कल्चर है। ठीक, इसका एक कल्चर है, उसमें रिस्पेक्ट का कल्चर भी है, उसमें बहुत फ्रैंक कल्चर भी है, बट इवन देन भी आपको अपने कम्युनिकेशन वहां बहुत सेंसिटिव और बड़ी सेंसिबली यूज करनी होती है। ठीक है, तो एक बात बता दूं कि ये बिजनेस कम्युनिकेशन है, ये क्या करती है, ये एम्प्लॉयज के साथ एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर्स के साथ सप्लायर्स, कस्टमर, इन तमाम से रिलेट कर रही होती है। ठीक है, इसकी एक छोटी सी एग्जांपल है, आप एक इदारे में काम कर रहे हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग करता है, ठीक है, और वो फिर मार्केटिंग भी करता है। आपसे क्लाइंट ने कहा जी मुझे आपने 2000 बैग्स भेजने हैं जी, DAP आपने हमें मतलब यूरिया के 2000 बैग भेजने हैं। आप उन्हें लिख के भेज देते हैं जी हमने आपको 1800 बैग भेजे हैं। ठीक है, आपने इनफेक्ट क्या होता है कि आपने 2000 बैग भेजे हैं, तो उससे होगा क्या, नुकसान किसका होगा, इदारे का होगा। तो इदारा फिर क्या करेगा, इदारा फिर आपको अकाउंटेबल करेगा। सो आप याद रखिएगा, आप जितने खूबसूरत ही क्यों ना हो, आप जितने इंप्रेसिव भी क्यों ना हो, अगर आप अच्छे कम्युनिकेटर नहीं है, अगर आपकी कम्युनिकेशन की जो सेंस है वो आपकी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो इट मीन्स कि आप अच्छे प्रोफेशनल नहीं हो सकते। प्लीज मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, यहाँ एक बात बता दूं कि कम्युनिकेशन की, यहाँ खास तौर पर अगर हम बिजनेस कम्युनिकेशन करेंगे तो बड़ी तीन कॉमनली यूज्ड टेक्निक्स है। ठीक है, सबसे पहले जो टेक्निक यूज होती है वो यूज होती है वर्बल कम्युनिकेशन है, उसके बाद नॉन वर्बल, और फिर तीसरे नंबर पे रिटन कम्युनिकेशन है। इसको हम थोड़ा थोड़ा आपस में डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, आप में से कोई अगर वॉलंटियर करे, मैं चाहूंगा सागर, अभी आपके एक कलीग ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे ये मैं चाहूंगा पूछना कि उनके ऑफिस में, आप लोगों के ऑफिस में सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन किस तरीके से होता है। अच्छा, आई थिंक कनेक्ट हो गया उनका इंटरनेट कुछ, तो आपके लाइट बंद किया, लाइट बंद किया, लाइट बंद किया, बड़ी डिस्टॉर्शन है शहजाद जी। हेलो, यस जी, शहजाद कुछ कह रही हैं। हमारे ऑफिस में मोस्टली तो जो कम्युनिकेशन होती है वो ऑब्वियसली ईमेल पे होती है। गुड, ठीक है, लेकिन जो चीज ईमेल पे नहीं होती, मीटिंग से जो होती वर्बल होती, तो उसकी मीटिंग नोट्स हो जाते हैं। गुड, हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया, थैंक यू शहजाद, थैंक्स अ लॉट जी। कोई और जी, कोई और वॉलंटियर जी, शाहरुख ने हमें जो है वो ज्वाइन बैक किया हुआ है,
तो अगर आप इनसे जो है मुझे सवाल नाउ आई जॉइन शाहरुख ये बताइएगा कि आपके ऑफिस जो कम्युनिकेशन है मोस्टली ऑफिशियल कम्युनिकेशन किस किस तरह से होती है? Yeah, there's a like 100% digital platform. ठीक हो गया. So we are communicating through the digital platform. Yeah. Tools बताओ. So we have a like Slack. We have a like a email. Good. We have other things as well. Yeah. ठीक हो गया. Next please. Slide change कीजिए. Can you hear me? हाँ जी. Okay, sure. ठीक हो गया. Thank you, Sagar. Thank you. Sagar, please slide move कीजिए. जी. स्लाइड को जरा पढ़ेंगे जी. एनीवन वॉलंटरली शाहरुख को मैंने रिक्वेस्ट किया. Okay. Yeah, I would love to do that. Yeah. So basically, verbal communication is used to discuss ideas and express opinion, really order and produce the listeners. An effective verbal communicator is a clear about the message. They want to convey and they're willing to listen to position and argument. Verbal communication also involves the being a prepared to support arguments with the concert example. ठीक हो गया. Anyone else? इसके बाद कोई बोले आगे? Heda, would you like to? It is important to maintain a positive tone of voice when verbally communicating face to face and over the phone. Here are some most frequently used verbal communication techniques: meetings, conference calls, and presentations. अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि तो हमारे यहाँ organizations का culture है ना, वो organization to organization vary करता है. कुछ ऑर्गेनाइजेशन में कोशिश की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन रखने के लिए वर्बल कम्युनिकेशन को प्रमोट कर. ठीक हो गया. और मैं एक बात बताऊं आपको कि जो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन के अगर मॉडल्स आप जाकर देखें ना, मेरा हुआ है इंटरेक्शन काफी ज्यादा यूनिलीवर के साथ, तो उन्होंने एक बड़ा अच्छी बात हमसे शेयर की. उन्होंने कहा यार हम लोग रिटर्न की तरफ इसलिए नहीं आते. रिटर्न में हो जाता है कि आपने क्या है कि हम क्योंकि कल्चर ऑफ मतलब टीम डेवलप कर रहे हैं ना, हम क्या कहते हैं, हम कोशिश करते हैं किसी से बात करके, डिस्कशन करके, म्यूचुअल डिस्कशन करके हम चीजों को सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, हम क्या करते हैं, हम इस तरह से रखते हैं चीजों को कि ताकि सब अकाउंटेबल भी हो और सब के सब कंट्रीब्यूटर भी हो. ठीक है, देखिए खाली अकाउंटेबिलिटी अगर आप एक तलवार अगर लटकाए रखते हैं ना अपने एम्प्लॉय के ऊपर, तो फिर वो वैल्यू एड नहीं कर पाता खौफ के मारे कि यार कहीं मुझसे पहुंचनी चीज होगी तो फिर मेरी तो जॉब खतरे पड़ गई. तो वर्बल कम्युनिकेशन का जो सबसे बड़ा पॉजिटिव ये इसका नोट ये होता है कि इसमें एम्प्लॉयज बड़ा इजी फील कर रहे होते हैं. अच्छा, हमारे यहाँ जो टेक्निक्स यूज होती है, मैंने इसमें याद में मेंशन भी कर दी है कि मीटिंग्स, हमारे यहाँ मीटिंग्स होती हैं, कॉर्नर मीटिंग्स होती हैं, हमारे यहाँ ग्रुप मीटिंग्स होती हैं, हमारे यहाँ फिर एक बड़ी रिव्यू मीटिंग होती है जिसमें मंथली रिव्यू मीटिंग है, क्वार्टरली रिव्यू मीटिंग है, एनुअल रिव्यू मीटिंग है. उसमें होता क्या है, हम वन टू वन आपस में डिस्कशन करके अपने टारगेट सेट करते हैं. हम उसी डिस्कशन के अंदर एक्सप्लोर कर रहे होते हैं हमें चैलेंजेस कौन से आए. ठीक है, हम उसी डिस्कशन के अंदर, मैं आपको एक बात बताऊं सागर, दिस इज वर्थ टू नोट कि हमारे बहुत सारे लोगों के म्यूचुअल जो डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो हमारी मीटिंग्स में रिजोल्व हो जाते हैं. ठीक है, क्योंकि उनके बीच में वो बैरियर नहीं रहता. ठीक है, इसके अलावा हम जो बड़ा मोस्ट कॉमनली मतलब जो बहुत फ्रीक्वेंटली एक और चीज बढ़िया हम करते हैं, हम अपने हर एक टीम मेंबर को हम एनकरेज करते हैं कि आप प्रेजेंटेशन दें. देखें आप किसी को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, आप उसे ऐसे बूस्ट कर सकते हैं कि आप उसे जिम्मेदारी दें कि यार ये आपने करना है बेटा, ये पोर्शन आपका है. ठीक है, आप मतलब सिंपल सी एग्जांपल ले लेता हूं मैं, हमारे पास एडमिन के अंदर एडमिन असिस्टेंट भी होता है, एडमिन ऑफिसर भी होता है, एडमिन मैनेजर भी होता है. अब हम क्या करते हैं, मैं जब प्रोजेक्ट मैनेजर होता हूं तो मैं अपने एडमिन असिस्टेंट से भी कहता हूं कि यार आपने जो आप काम कर रहे हैं ना वो अपने मंथली रिव्यू मीटिंग में जरूर बताएं ताकि आपका कंट्रीब्यूशन भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पिच हो रहा हो. ठीक है, तो उससे क्या होता है, उससे उस छोटे से छोटे जो हमारा मतलब छोटे से छोटे इन सेंस के मतलब जो बिल्कुल जूनियर है उसका भी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होता है और उसका इंटरेस्ट डेवलप होता है ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के, यार आई एम बीइंग वैल्यूड फॉर व्हाटएवर आई एम डूइंग. एक बात दूसरा मैं आपको एक और बात बता दूं कि मैं आपसे बहुत ज्यादा तेज बोलता हूं ना, मैं यहां वैसे भी तेज बोलता हूं, लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको, वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर टोन बहुत मैटर करती है.
वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आपकी पिच बहुत मैटर करती है, और वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर ये भी बहुत मैटर करता है कि आपने जो बात कही वो राइट टू द कॉन्टेक्स्ट थी कि नहीं थी, ठीक है ना। द कॉन्टेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी काइंड ऑफ डिस्कशन। अगर आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रहे हो तो लोग आपकी बात को वैसे ही नहीं सुन रहे, कहते यार बिल्कुल यार तो सुनने का फायदा ही नहीं है, ठीक है। बेशक हो सकता है कि आप उसको कहीं रेलेवेंस दे रहे हो, बट फिर वही बात है कि आप जब भी आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जाते हैं तो आप जो असल किसी भी मामले की हम बात कर रहे थे वो सब हट जाते हैं, डाइवर्जन हो जाती है, ठीक है। सो मोस्ट कॉमनली फ्रीक्वेंटली जो यूज्ड चैनल्स हैं वो मीटिंग्स भी हैं और कॉन्फ्रेंस कॉल। आजकल मैं घर से काम कर रहा हूं तो मेरी टीम के लोग क्या करते हैं, वो मुझसे स्काइप पे बात करते हैं। अब हम स्काइप पे हमने मतलब क्या किया हुआ, हमने रखा हुआ कि जिस तरह अगर मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूं तो फिर मुझे अगर किसी ने पॉज करना तो मुझे मैसेज कर देते हैं कि सर आई वांट टू, जिस तरह अभी सागर कर देते हैं कि किसी का मैसेज आया है वो बात करना चाह रहा है, कोई किसी ने हैंड रेज किया है, तो उससे क्या होता है कि हमारी डिस्ट्रैक्शन नहीं होती मीटिंग में, ठीक है। सो कीप इन माइंड कि आप जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रो करने जा रहे होंगे तो आपके अपने कम्युनिकेशन स्किल के अंदर जो सबसे ज्यादा काम करना है वो अपनी दो चीजों पर काम करना है कि आपने एक तो लिसनिंग को बढ़ाना है। मैंने आपको लास्ट टाइम पहले सेशन में कहा था कि जितने क्वालिटी लिसनर आप होंगे उतने ही आप क्वालिटी कम्युनिकेटर भी होंगे, ठीक है। अगर आपकी लिसनिंग ये है कि आपने मेरी बात सुन के हाफ पे रिस्पॉन्ड कर दिया, और शदा ने बड़ी अच्छी बात एकदम शदा ने मेरे ख्याल में शेयर की थी कि सर अक्सर ये होता है कि मैंने हाफ रिस्पॉन्ड कर लेती हूँ, मैं पूरी बात सुनने से पहले ही एज्यूम कर लेती हूँ कि ये चाह रहा है। नहीं, उससे क्या होता है, उससे क्या होता है कि आप जब इस तरह से बिहेव करते हैं तो आपके लिए एक इमेज बन जाता है ऑर्गेनाइजेशन में कि ये हाफ लिसनर है यार, इसने तो सुनना ही नहीं है। फिर लोग क्या करते हैं, फिर लोग उस तरह से फिर खुलकर आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पाते। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। एनीवन कोई इसको पढ़े अगर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को, इट इज रिपोर्टेड दैट ओवर 90% ऑफ मैसेजेस आर कन्वेड थ्रू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। This statistic demonstrates the importance of non-verbal communication when interacting with business contacts. A common aspect of non-verbal communication is body language. Communicating using body language includes movement, gesture, and posture. Eye contact is also another important aspect of non-verbal communication. Engaging eye contact shows that you are interested in what is being said and are listening attentively. However, a balance must be struck in relation to eye contact. Too much eye contact could be perceived as a sign of aggression, and too little eye contact could be regarded as a sign of disinterest. बिल्कुल ठीक है। Thanks, Hira. आप सबको एक बात बताता हूँ मैं कि जब हमने पहला सेशन किया था हमने उसमें बात की थी कि हमारी जो अब जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हुए हैं ना तो हम सारे के सारे स्कैन हो रहे होते हैं कि हमने बात कैसे की, हम चलकर कैसे आए, मैं सीट पर कैसे बैठा, मैंने कहीं अपने जो पाँव है वो खुदा ना खास्ता टेबल पर तन रख दिया। बदकिस्मती से होता भी है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में होता भी है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर बहुत आम है। दूसरे नंबर पर हम अगर किसी को देख रहे तो हम स्टेयर तो नहीं कर रहे उसको, ठीक है, मतलब खवातीन के मामले में ये होता है बदकिस्मती से कि वो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही है तो लोग बिना वजह भी देख रहे होते हैं। अब आपको कोई काम है तो आप इंटरेक्शन कर रहे हैं, दैट इज गुड, बट अनड्यू स्टेयरिंग या अनड्यू अगर आपका आई कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करें तो वो भी। सो एक बैलेंस काइंड ऑफ आई कॉन्टेक्ट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का असूल बता दूं मैं आपको। आप जितना अपने आप को बैलेंस करना चाहते हैं तो अपनी अपनी जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की स्किल उसको बेहतर कर लीजिए, ठीक है। आप कोशिश कीजिए, आप मैं एक बात बताऊं, हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो बात करते हुए हाथ पे हाथ मारते हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग कैसी लग रही है फिर आजकल फिर आपको? इट मींस कि जो जापान में और चाइना में ग्रीट करने का तरीका कार है वो अच्छा तरीका कार है ना, देखिए वो गले नहीं मिलते, वो मतलब उनका कल्चर है एक लिहाज से, बट ये भी एक तरीका कार है, ये भी बॉडी लैंग्वेज ही है कि वो एक रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो दूसरे दूर से रहकर रिस्पेक्ट दे रहे हैं। सो आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर कर रही है। मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको जब आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो एचआर से वाकिफ होंगे, अच्छा इस वक्त जो ऑन जॉब लोग हैं हमारे सेशन में वो बता सकते हैं कि उनका एचआर से कितना फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन रहता है,
मैं भले ही सागर बता दें, भले ही मुझे शाहरुख बता दें, भले हीरा बता दें मुझे। जी शाहरुख, वुड यू लाइक टू सागर? जी अच्छा, हमारा एचआर या इट्स बेसिकली डिपेंड ऑन द लाइक इवैल्यूएटिंग टाइम। So good. This is a one-on-one. There are feedback options. There's a pecon. There are a couple of events that actually led to the express your like any kind of opinion, any kind of suggestion to HR. बिल्कुल ठीक हो गया। अब आपको मैं बताता हूँ, आपको जब HR evaluate कर रहा होता है ना आपको शाहरुख, तो वो आपको एज अ फुल पैकेज करता है एवलुएट। वो आपको आपकी बोलने पे, आपके इंग्लिश बोलने पे, या आपके अच्छे चलने पे, या आपके स्टाइल पे नहीं करता। वो देख रहे होते हैं अच्छा, जो प्योर प्रोफेशनल ह्यूमन रिसोर्स के लोग हैं ना भाई, वो देखते हैं कि थ्रू आउट द ईयर इसकी कितनी, इसके हवाले से कितनी कंप्लेंट्स आई कि इसकी टोन खराब थी, इसके हवाले से कितनी कंप्लेंट्स आई कि इसके बैठने का पोस्चर ठीक नहीं होता, इसके हवाले से कितनी कंप्लेंट्स आई कि ये हमारी पॉलिसीज को वायलेट करता है, पता है आपको? और वो सारी की सारी आपकी ग्रेडिंग में आती है। So, yeah, I agree with you. ठीक है, मैं प्लान इंटरनेशनल पाकिस्तान में था, तो मेरी वहां दो वैल्यूएशन है, दुनिया के चंद बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन में यूएन के बाद वो, तो आई वाज ग्रेडेड 4.5। तो हमारे यहाँ जिसका 4 आता था वो अपने आप को बड़ा पहलवान समझता था। तो जब मेरा 4.5 आया तो एचआर से पूछा गया, कंट्री डायरेक्टर ने पूछा कि आपने इसको सुपर, आपने एक्सेप्शनल सुपर दे दिया उसको। उन्होंने कहा कि बात ये थी कि हमने जो 360 डिग्री हमने जो एक फीडबैक लिया इनके स्टाफ से, इनके जूनियर से, इनके सीनियर से, तो उन्होंने हमेशा ये कहा कि इसका बॉस, उसका जो बॉडी लैंग्वेज बड़ी पॉजिटिव होती है। सो दैट पेड मी अ लॉट। सो याद रखिएगा, आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपकी ऑफिशियल और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज्यादा मैटर करती है। उसने 90% ऑफ द मैसेजेस बोला है, ठीक है, कि हम 90% ऑफ द मैसेजेस, क्योंकि देखें आप हर बंदे को, I'm bother you because meeting timing is less than 1 minute, so can we reconnect it again? Yes Sagar, what is the, shall I tell you, hum same link se rejoin karenge jis link se humne join kiya hua hai, sahi hai, right after the 1 Roger. minute when the session expires. Roger. आप प्लीज दोबारा सेंड कर दीजिए। श्योर। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था कि हम लोग अब अपने आप को एवेल्युएट जब करते हैं, हम खुद भी करते हैं एवेल्युएट अपने आप को, तो तब बंदा सोच रहा था कि यार वहां कहां यार, उस दिन जब मीटिंग हो रही थी ना, उस वक्त मेरी टोन ऊंची हो गई थी यार फलाने बंदे के साथ, यार उस दिन मैंने येलिंग कर दी फलाने बंदे पे। तो उससे क्या होता है कि आपको एहसास होता है कि आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे भी आपको जो है ना, समटाइम्स आपको अपना देखना पड़ेगा, आपकी बॉडी को